आज एक ऐसा बिजनेस आइडिया आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, मात्र 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और जो 5,000 रुपए आप लोग लगा रहे हैं वहां पे आप लोग 15,000 रुपए की कमाई कर सकते हैं। मतलब 15,000 में आपके 5,000 माइनस भी करोगे तब भी आपको 10,000 रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है, वो भी 100% जेन्युइन तरीके से। यहाँ पे सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख पा रहे, हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस करके दिखाएंगे क्या प्रोडक्ट है। उसके बाद मैं आपको 100% इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ, आप इस बिजनेस से महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो सर थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं कि कैसे क्या इन चीजों को हम तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा जो हमारा ये प्रोडक्ट है, इसे हम टायर सीलेंट के नाम से जानते हैं, और ये जो प्रोडक्ट है हमारा टायर के अंदर बेसिकली जाता है और टायर की रखवाली करता है एक तरह से, आपकी जान बचाता है। क्योंकि अगर राह चलते गए टायर पंचर हो जाए तो आपका वो टायर फट जाता है और आपको एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। उसी को हम यहाँ से भी प्रोडक्ट को बढ़ाने हैं। हमारे पास कुछ हम इसमें केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और वो केमिकल क्या करता है, उसको बाइंडर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम उसको, अंदर काम करेगा वो। आप दिखाइए, एक हमने ये लिया है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं कि एक ये पाउडर पहले हम डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस वाला हम अभी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, और हम अभी दोबारा दूसरा, जैसे ये इनमें हमारा ऑलरेडी तैयार है, जी ये ऑलरेडी तैयार है, अभी हम प्रोसेस करके देख रहे हैं। हाँ, हम इसको प्रोसेस कर, हमारे व्यूअर्स को पता चले कैसे चीज बनकर के तैयार होती है, कैसे आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सकती है और कैसे चलता हुआ ग्राहक इनसे इस चीज को खरीद सकता है। बिल्कुल जी, बताए। अब दूसरा इसमें हम एक पाउडर और कॉम्बिनेशन करेंगे। हम सबसे पहले थोड़े थोड़े अपने जो रिक्वायर्ड मटेरियल के हिसाब से, एक स्मॉल लॉट में चाहिए हमें, एक क्वांटिटी के हिसाब से लेना होता है, हम एक क्वांटिटी के हिसाब से लेना, हर एक चीज की मेजरमेंट क्लियर होती है। जैसे कि हम एक एक 125 ग्राम के आसपास डालते हैं। जी बिल्कुल, जैसे दो चीजें इसके अंदर डल चुकी हैं, अभी और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे डलने वाली हैं। आप एक काम करिए और ये गर्म वाला तेल लीजिए, एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आप लोगों के लिए हो सकता है। इसके अंदर कंपनी आपके लिए बहुत चीज़ों की गारंटी लेती है कि अगर आपका माल नहीं बिके तो वापस भी कंपनी लेती है, उसके भी कुछ टर्म्स होते हैं वो आपको आगे जाकर के बता दिए जाएंगे कि अगर आपका 1% माल सेल नहीं होता है तो कंपनी को आप रिटर्न वापस मटेरियल दे सकते हो, उसके बदले आपका पूरा पैसा वापस ले सकते हो। और दूसरा पॉइंट, आपकी मार्केटिंग कंपनी खुद करती है। एक तो होता है कि आप खुद से एक मार्केटिंग कर रहे हैं और एक होता है कि कंपनी अगर आपकी मार्केटिंग करे तो वहाँ पर आपको अलग से बेनिफिट मिलता है। क्योंकि अगर अपन किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग किसी और से करवाते हैं तो वहाँ पे जो मार्केटिंग कंपनी जो होती है वो कई लाखों रुपए अपने से ऐड लेती है, लेकिन वहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है कि कंपनी आपकी खुद की मार्केटिंग कर रही है। जैसे कि अगर आप हमारे इस प्रोडक्ट के कहीं के भी डीलर बन जाते हैं तो वहाँ पर उस एरिया के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति माल को सेल नहीं कर सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर उस डिस्ट्रिक्ट से, जो भी आपका एरिया, उस एरिया से, उस पिन कोड से अगर कंपनी के पास में कोई भी इस तरीके का कॉल आता है कि मुझे भी इस बिज़नेस को करना है, तो वहाँ पर कंपनी आप ही लोगों के नंबर प्रोवाइड कराती है जिससे कि आपके पास में जो मटेरियल है वो पहले सेल हो जाए। तो इसलिए कंपनी डायरेक्टली उन लोगों को ये मटेरियल प्रोवाइड नहीं कराती है। तो दूसरा बेनिफिट आपको ये हो गया कि कंपनी खुद से आपके प्रोडक्ट को सेल करवा रही है। थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करोगे, मैं आपको बताऊंगा, पूरा तरीका बताऊंगा कि कहां पर आप इस चीज़ को बैठे बैठे सेल कर सकते हो, जिसके लिए आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मैं कम्प्लीटली डिस्क्राइब करूंगा। वीडियो के साथ में एंड तक आपको ज़रूर बने रहिएगा किस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। सबसे पहले हम उस चीज़ की जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद कम्प्लीट प्रोसेस आपको दिखाएंगे कैसे आप इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। जी सर, अब वो एक केमिकल लेके आ रहे हैं, ड्रम से निकालना पड़ता है, थोड़ा लिक्विड केमिकल है। अच्छा, वो लेके आएंगे, फिर हम उसको इसमें थोड़ा सा मिक्स करेंगे, घोल कर देंगे। हाँ, घोल करेंगे, उसके बाद उसे हमें काफ़ी थोड़ी देर फर्मेंटेशन के लिए छोड़ना पड़ता है, ठीक है। फिर हम उसको फिर मशीन में उसको ग्राइंड करते हैं, और ग्राइंड करने के बाद हम उसे फिर से फर्मेंटेशन के लिए छोड़ते हैं। आप लोगों को ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से तैयार होता है। आपको बना बनाया मटेरियल मिलेगा, सिर्फ उसी को सेल करना है, आपको ये सारी चीज़ें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी हम पहले इसमें कुछ अलग से ऑयल्स के कॉम्बिनेशन जो होते हैं उनको अलग से हम मिक्स करते हैं, हमने पाउडर को अलग से लिया हुआ है, अब हम इन दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे धीरे धीरे। अब इसमें इसको डाल दो, इन सबको मिक्स करके ग्राइंड करेंगे। अभी इनको मिक्स करके हम ग्राइंड करेंगे। इनकी मिक्सिंग बहुत ज़रूरी होती है बेस बनने के लिए। अच्छा, मिक्सिंग ज़्यादा ज़रूरी है। मिक्सिंग ज़्यादा ज़रूरी है।
अभी इसका एक रॉ बेस तैयार हुआ है, इसे हमें कम से कम 5 से 6 घंटा फर्मेंटेशन के लिए छोड़ना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद हम इसमें और मिक्सिंग करते हैं फाइबर की, फिर हम उसके बाद इसकी अच्छे से पिसाई करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। ओके, और फिर हमें इसे फिर से फर्मेंटेशन के लिए छोड़ना पड़ता है। छोड़ते हैं, तो कहने का मतलब ये होता है कि ये इस तरीके से हमारे ये लिक्विड तैयार हो जाता है जी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं अपन, तो अभी इनको सिर्फ बोतल के अंदर डालना है जी, जैसे नॉर्मल बोतल देना भाई, जिसके अंदर अपन पैक करते हैं ना, गोल वाली बोतल, नेचुरल मार्किंग। जैसे आप देख पा रहे हो जो ये बोतल आपको दिख रही है, इस तरीके की बोतल के अंदर अपन इस लिक्विड को डाल देते हैं और ये आप लोगों के घर तक हम पहुंचाते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस चीज़ को मार्केट में सेल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, एक एंटी टायर पंचर सोल्यूशन एक लिक्विड होता है जो कि जेल बेस होता है, और ये क्या काम करता है, जैसे आप किसी भी प्रकार के व्हीकल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, अगर वो पंचर हो जाता है तो पंचर होने के बाद में आपको किसी पंचर वाले के पास में आपने टायर को ठीक करवाना होता है, तब तक क्या पता कि आपका टायर फट भी चुका हो या उसके अंदर कोई और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए हमने ये लिक्विड तैयार करा है। अगर ये लिक्विड ऑलरेडी आपके टायर के अंदर डला हुआ होता है तो वहाँ पर आपका टायर के अंदर कोई भी कील काटा पत्थर लग जाता है तो इंस्टेंटली ये मिनी सेकंड के अंदर उससे आपके जो पंचर है उसको ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करने के बाद में आपको खुद को ये नहीं पता चलेगा कि आपका टायर कितनी बार पंचर हुआ है। तो सर, जैसे कि मैं अपने व्यूवर्स को बता रहा हूँ, ये बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही बात बताई है अपने व्यूअर्स को जी। इसमें क्या होता है कि आपके पास सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब आप चल रहे हो तो पंचर हो जाता है, पंचर हो जाता है, और पंचर को ठीक कराना तो सेकेंडरी है, लेकिन आप ऐसे समझिए रात के किसी समय पंचर आपका हो जाए और आपको हॉस्पिटल इमरजेंसी हो कुछ और किसी भी इमरजेंसी की बात हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इससे बेहतर वो है ना कि आपकी गाड़ी पंचर ही ना हो। तो आप ऐसा केमिकल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लिक्विड अगर इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि आपको परेशानी आए ना परेशानी ना आए, कहीं अपन जॉब पे जा रहे हैं अगर लेट हो रहे तो बॉस बार बार उस चीज़ के बारे में रिपीटेड करेगा कि भाई तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो, भाई कुछ भी हो सकता है, व्हीकल है, कुछ बारिश भी हो का सकता समय है। हाँ। आप देखिए कि सड़कों में पानी भरा होता है, हमें पता ही नहीं कील कहाँ है, कांटे कहाँ है, क्या है, और उस वक्त अगर आपको गाड़ी को धक्का मारना पड़ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा हो गया। सोने पे सुहागा, बिल्कुल वही चीज है। तो ये लिक्विड अगर आपके टायर में ऑलरेडी डला हुआ होता है तो इस पंचर को ब्लॉक कर देता है और आपका टायर के लिए आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपका टायर कब पंचर हुआ था। इस तरीके से अनलिमिटेड पंचर्स को ब्लॉक कर देता है। सर, ये ब्लॉक कैसे करता है उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, इसके अंदर जो पॉलीमर और फाइबर होते हैं उसका सबसे बड़ा रोल होता है। आप क्या करता है, टायर के अंदर कोई भी चीज टायर के साथ साथ घूमेगी, बिल्कुल, और जैसे कील कांटा कंकड़ लगेगा तो उसके अंदर से वो हवा निकलेगी, बिल्कुल, और हवा जैसे निकलेगी उस हवा से निकलते के साथ ही आपके साथ साथ जो लिक्विड उसके अंदर है वो खिंचाव बनाएगा उसके अंदर, बिल्कुल, और जो खिंचाव बनाएगा जो पॉलीमर है, आप देखिए लोहा को लोहा काटता है, रबड़ को, आप भी जब पंचर बनाते हैं तो रबड़ ही लगाते हैं, बिल्कुल, तो हमारे अंदर से जो पॉलीमर रबर्स होते हैं वो अंदर से ही इसको आके बिल्ट कर देते हैं और वो परमानेंट ब्लॉक कर देते हैं, परमानेंट ब्लॉक हो जाता है, तो उससे कस्टमर को असुविधा नहीं होती है। और अगर मैं बात करूँ इस चीज को बेचने का का, तो देखिए दोस्तों, एक पेट्रोल पंप होता है, वहाँ पे पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए एक नहीं एक दिन के अंदर दुनिया भर के व्हीकल्स आते हैं। तो वहाँ पर अगर आप किसी एक बंदे को मार्केटिंग के लिए रख पाते हैं, अगर आप एक बंदे को 10 बोतल का दिन में टारगेट देते हैं तो 100% उस चीज़ को कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि एक दिन के अंदर 500 से 1000 व्हीकल्स एक पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए आते हैं। अगर आपका बंदा अगर 10 लोगों को भी कन्वेंस कर लेता है तो सोचिए कि आपको वहाँ पे एक बहुत अच्छा बेनिफिट 3000 रुपये से लेके 5000 रुपये के करीब में हो जाता है। अगर मैं MRP की बात करूँ, अगर आप MRP से हाफ रेट के अंदर भी इस प्रोडक्ट को बेचते हैं तब भी वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। इसके साथ में आप अपना जो भी आपका बंदा है जो मार्केटिंग आप लोगों की कर रहा है, अगर आप उसको इंसेंटिव बेस पे भी रखते हैं कि ठीक है मैं आपको एक प्रॉपर सैलरी तो दे रहा हूँ महीने की, इसके अलावा अगर आपने एक भी बोतल एक्स्ट्रा बेचती 10 के जगह अगर आपने 11वीं बोतल बेची तो मैं आपको 100 रुपये अलग से एक बोतल पे कमीशन दे सकता हूँ। तो वहाँ पर अगर बंदा 5 बोतल भी अगर एक्स्ट्रा बेचता है, अपन मिनिमम मान के चलते हैं, तो 500 रुपये उसको अलग से बेनिफिट हो गया, महीने के 15000 रुपये अलग हो जाते हैं, उसकी सैलरी आप जो दे पा रहे हैं वो एक अलग हो जाती है। तो इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति से इसकी मार्केटिंग करवा सकते हैं, और मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप इस चीज़ की मार्केटिंग कर पाएंगे। इसी के साथ में
ये कैसे जो टायर होता है उसके अंदर काम करता है, कैसे इस लिक्विड को टायर के अंदर इंजेक्ट करना होता है और कैसे आप उसके अंदर कील ठोकते हैं, कैसे उस चीज़ को ब्लॉक कर देता है, एक कंप्लीट लाइव डेमो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यूनियन की अभी डिसाइड जो है प्राइस का, वे तो एक नॉर्मल लेमन वाला जो प्राइस है उसको हमने डाला है मार्केट में। जब यूनियन की बात आती है, इकट्ठे माल की जाती है बात, तो प्राइस का कहीं ना कहीं डिफरेंस तो आता ही आता है, तो उसका डिसाइड होगा आपके पास। आपको डिस्काउंट पर्याप्त मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि आपको आसानी हो सके। अगर अगर रेट की बात है तो आपकी जो यूनियन, जैसे कि ट्रक यूनियन में डिस्काउंट दिया गया है, वैसे 1300 की बोतल है जो कि आप एमआरपी यहां पे देख सकते हैं 1299 में, लेकिन आपकी सभी लोग जानते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन आप ही के यहाँ पर नालागढ़ के अंदर स्थित है, जहाँ पर हमने पूरा लाइव डेमो हमारे प्रोडक्ट का किया है और हर एक भाई को उसके क्वेश्चन का जवाब दिया है। आज हम आपकी जो यूनियन है 407 की, यहाँ पर आपको पूरा लाइव डेमो दिखाएंगे कि हमारी कंपनी TIT द इंडियन स्टैक टायर सीलेंट एक ऐसा लिक्विड होता है, आप इसे किसी भी व्हीकल के टायर के अंदर डाल सकते हैं। अब चाहे तो बाइक हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, चाहे वो ट्यूब वाला टायर हो, चाहे ट्यूबलेस टायर हो, एक बार अगर आपने इस लिक्विड को अपने टायर के अंदर डाल दिया तो आपका टायर कभी भी पंचर नहीं होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम स्पीड से चलते हैं, अगर वहाँ पर हमारा टायर पंचर हो जाता है, गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे हमारे साथ में कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। इस तरीके से हमने इंडिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट तैयार किया है। हमारे ऑल ओवर इंडिया ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ना हो। इसी के साथ में दुबई तक हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, क्योंकि हमने एक बेस्ट क्वालिटी के साथ में इस प्रोडक्ट को तैयार किया है, जिसका रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम आपको पूरा लाइव डेमो दिखाएंगे। अगर किसी भी भाई को ये लगता है तो खुद अपने हाथों से यहाँ पर लाइव डेमो करें, देखें किस प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आज तक आपने कभी ज़िंदगी में ना देखा होगा, जो अभी आप हमारे साथ में देखने वाले हैं। तो चलिए एक बार उधर चल लेते हैं, देख लेते हैं लाइव डेमो कि किस तरीके से ये वर्क करता है। लोग जानते हैं ट्रक का टायर है, ट्रक में ट्यूब वाला टायर यूज होता है। आप इस टायर को देख भी सकते हो ये किस हालात में है। ये मतलब कि यूजेबल टायर है भी नहीं, ये पूरा मतलब कि कचरे में पड़ा हुआ टायर है जिसके अंदर हमने लिक्विड डाला है। अभी आप लोगों के सामने कील ठोक करके हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि कितना बड़ा ये कील है जो कि पंचर को रोक देगा। सर अब ठोके, थोड़ा पानी मंगवा ना, अभी आप देख पा रहे हैं, आप इसे घुमा भी सकते हैं जैसा आप घुमाना चाहते हैं, वैसा जितना चाहें उतना घुमा सकते हैं। अभी हम इसे निकालेंगे, टायर की हवा निकलेगी एक बार से। अभी इसको थोड़ा सा घुमाना है, टायर को थोड़ा वापस ले ले सर। आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो हुआ है, आप ही के सामने है। अभी यहाँ पर पानी डाल करके आप देख लीजिए कि आपका पंचर ब्लॉक होता है कि नहीं होता है। और घुमा लो एक बार, और घुमा दो, क्योंकि थोड़ा सा घूमना जरूरी होता है। बस हो गया, ठीक है। कहाँ पर डाला था ये आप देख पा रहे हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका पंचर ब्लॉक हो चुका है। इतना कि एक सेकंड का टाइम नहीं लगता, क्योंकि चलता हुआ टायर के अंदर तुरंत इंस्टेंटली ब्लॉक कर देता है। अभी हम सिर्फ डेमो दिखाने के लिए अपने हाथों से घुमा रहे हैं, तो वो चीज़ें आप सभी लोग इतना भी जानते हैं कि कितना वजन लेकर के ट्रक चलता है। आप कभी भी किसी भी ट्रक या जो भी एक ट्रक के टायर में अगर ये काम कर सकता है, तो हमारे पास तो छोटे व्हीकल है, इसमें क्यों नहीं करेगा, कोई रीज़न है तो बताओ। अभी दूसरा टायर है ट्यूबलेस, उसके अंदर भी करके दिखा देते हैं, जो कि SUV गाड़ी के लिए यूज होता है, इसके अंदर भी आपको दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पर भी देख लीजिए, अब देख लीजिए ये ट्यूबलेस टायर है जो कि आप देख पा रहे हैं, जो घुमा के निकालो, घुमा के निकालो, थोड़ा सा घुमा दीजिए, नीचे तक घुमा दीजिए इसको। ये देखो हो गया, बस इतना ही टाइम हो लगता है। ये देख लीजिए एक झटके में पंचर ब्लॉक हो गया। बाइक का टायर दीजिए भाई, ये बाइक का टायर है, क्योंकि आपके साथ यहाँ पे इसमें करें सारी चीजें आपको बता देंगे, कितना डालना होता है, कितना नहीं डालना होता।
हाँ नहीं पंप सिस्टम की है, ये देखिए एक झटके के अंदर पंचर को ब्लॉक कर रहा है। टायर चाहे पुराना हो चाहे नया हो कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने घसे हुए टायर के अंदर यूज हो चुका है वो चीज है। अगर किसी के कोई सवाल जवाब है तो कर सकते हैं बेझिझक, कोई भी अगर किसी को भी लग रहा है। हाँ एक सेकंड हमारे सर बताएंगे, इंजीनियर सर कहाँ है, सॉरी जो भी सॉल्यूशन है सर, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर कर दीजिए। सर ये 825 के टायर में कितना पैना है, ये टायर के साइज पे डिपेंड करेगा सर जी। जैसे मान लीजिए जैसे आपको मैं बताता हूँ, 500 ml से लेकर 2.5 लीटर तक के आपके जाती है, मतलब आपका ये अगर 17 नंबर का टायर लेकर आपके 1020 तक अगर जा रहे हैं तो वहाँ 2.5 लीटर तक जाता है 500 ml एक टायर में, और वहाँ पे वो 2.5 लीटर एक टायर में, उसमें 2.5 लीटर। हाँ जी उसमें 2.5 लीटर जी, क्योंकि कमर्शियल है वही 1020 ही होगा आपका, 20 8 16 होगा, 8 25 16 है ना, तो वहाँ पे आपका 2.5 लीटर जाता है, जनरली हम 2 लीटर बोल देते हैं ताकि आपका लोड अगर ज़्यादा हो तो भी काम चल जाए। ये तो 1020 का है, 1020 का ठीक है, वो 8 25 16 हाँ जो आपके 8 25 16 जो है ना वहाँ 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर के बीच में डलता है, 1.5 लीटर 2 लीटर एक टायर में। पहली बात तो सर टायर फटता क्यों है, एक बात बताओ सबसे पहले टायर फटता क्यों है। टायर फटता इसलिए है कि टायर के अंदर के जो हवा है वो गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद प्रेशर दबाव बन जाता है और टायर फट जाता है। अब इसके अंदर क्या है आपके टायर सीलेंट एंड कूलेंट कहते हैं इसे, इसमें क्या है कि अपने आप में एक कूलेंट है, आप पाउडर डालते हो ठंडा रखने के लिए टायर, नाइट्रोजन डालते हो ठंडा रखने के लिए टायर, तो ये एक कूलेंट के तौर पे काम करती है, तो टायर भी गर्म नहीं होगा। अगर टायर गर्म नहीं होगा तो क्या होगा भाई, आपका पंचर का एक तो पंचर जो लगातार हो रहे हैं वो भी कम हो गए, और दूसरा क्या है टायर की जिंदगी बढ़ेगी, और तीसरा जिंदगी में टायर फटेगी नहीं, एक कहानी है कि टायर तो एटलीस्ट नहीं फटेगी, तो सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बात होती है। सॉरी सर मगर इसका अपना है प्राइस कितना बोतल का, प्राइस तो सर बताएंगे सर वो तो नियर बाय उस पर है, मैं तकनीक के बारे में और कुछ जानकारी चाहते हो तो मैं सारा बता दूंगा। सर जैसे कि हमारा 825 में आप मोटा मोटा 2 लीटर मान के चल लो, 2 लीटर डलेगा एक टायर में। सर जैसे कि हमारा यहाँ पर यूनियन है तो हमारे को मनावटों पर लेस डिस्काउंट देंगे। हाँ नेचुरल से बात है यूनियन में डिस्काउंट होगा, यूनियन की अभी डिसाइड जो है प्राइस का वे तो एक नॉर्मल लेमन वाला जो प्राइस है उसको हमने डाला है मार्केट में, जब यूनियन की बात आती है इकट्ठे माल की जाती है बात तो प्राइस का कहीं ना कहीं डिफरेंस तो आता ही आता है, तो उसका डिसाइड होगा आपके पास, आपको डिस्काउंट पर्याप्त मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि आपको आसानी हो सके। अगर अगर रेट की बात है तो आपकी जो यूनियन जैसे कि ट्रक यूनियन में डिस्काउंट दिया गया है वैसे 1300 की बोतल है जो कि आप MRP यहाँ पे देख सकते हैं 1299, लेकिन आपकी यूनियन एंड जो वहाँ की जो ट्रक यूनियन थी वहाँ के लिए 800 रुपये की एक बोतल दी जा रही है,